गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी के एडमिशन ऑफ पार्टनर के चैप्टर में न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो हमने पहले निकाल दिया। अब आता है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी यानी संपत्तियों तथा दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। जब एक नया पार्टनर एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, जब जैसे एक नया पार्टनर फर्म में आया तो वो इस बात से सेटिस्फाई होना चाहता है कि जो असेस्ट और लायबिलिटीज बैलेंस शीट में दिखाई गई हैं उनका मूल्य सही सही है या नहीं। अगर उनका मूल्य सही सही है तो ठीक है, लेकिन क्या होता है कि समय व्यतीत होने के साथ साथ जैसे जैसे समय बीत जाएगा उनके मूल्य या तो घट जाएंगे, यानी कि जो असेस्ट हैं उनके मूल्य या तो इंक्रीज हो जाएंगे या डिक्रीज हो जाएंगे। इसी प्रकार जो लायबिलिटीज़ हैं उनके प्राइस भी या तो इंक्रीज हो जाएंगे या डिक्रीज हो जाएंगे। इसलिए जब वो फर्म में एडमिट होता है यानी कि फर्म में प्रवेश करता है तो वो चाहता है कि जो असेस्ट और लायबिलिटीज़ हैं वो उनके बिल्कुल एक्यूरेट मूल्य पर दिखाई जाए। इनके लिए उनका पुनः मूल्यांकन किया जाता है। पुनः मूल्यांकन यानी पुनर्मूल्यांकन, उनकी दोबारा से वैल्यूएशन करके देखी जाती है कि उनकी रियल में वैल्यू है कितनी। इस हिसाब से दो हो सकते हैं, या तो उनकी असेस्ट यानी जो असेस्ट या तो इसके मूल्य इंक्रीज हो सकते हैं या डिक्रीज हो सकते हैं। इंक्रीज होंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, डिक्रीज होंगे तो लेस होगा। इसी प्रकार लायबिलिटीज़ के की वैल्यू या तो इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है। डिक्रीज होगी तो हमें प्रॉफिट होगा और इंक्रीज होगी तो हमें लॉस होगा। इसी प्रकार जो भी चीज़ें इसमें जो भी हानि, अगर कोई चीज़ हमारे हानि को इंक्रीज कर रही है, लॉस को बढ़ा रही है तो उस रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है, और अगर लाभ को बढ़ा रही है तो क्रेडिट साइड में। सबसे पहले एक बार हम देख लेते हैं उनके लिए क्या जर्नल एंट्री करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए। सबसे पहले यानी कि डिक्रीज इन, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेस्ट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेस्ट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेस्ट। अगर असेस्ट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसके लिए हम क्या एंट्री लिखेंगे, हम लिखेंगे असेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि असेस्ट इंक्रीज हो रही है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये जर्नल एंट्री उसकी लिखी जाएगी और इसका नरेशन यही लिख देंगे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेस्ट, अगर असेस्ट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। दूसरा हम लिखते हैं डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेस्ट, अगर असेस्ट की वैल्यू डिक्रीज होगी यानी असेस्ट का मूल्य कम हो रहा है जो पहले से बुक में दिखाया गया है उससे, तो क्या होगा, इससे उल्टी एंट्री हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेस्ट अकाउंट, और इसका नरेशन भी यही लिख देंगे कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेस्ट। उसके बाद देखिए अब आता है लाइबिलिटीज, अगला हम लिखते हैं इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेस्ट, अगर इन असेस्ट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एंट्री लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, जो भी लायबिलिटीज होगी उसका लायबिलिटीज अकाउंट, और उसके बाद इसका भी नरेशन यही लिख देंगे। उसके बाद आता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, इसमें क्या लिखेंगे, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट अकाउंट, और इसका नरेशन भी यही लिख देंगे डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। तो ये थे असेस्ट के इंक्रीज होने के, यानी कि असेस्ट इंक्रीज होने पर ये एंट्री होगी असेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, असेस्ट डिक्रीज होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेस्ट अकाउंट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इंक्रीज होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, और
लाइबिलिटीज़ का मूल्य डिक्रीज होने पर हम लिखेंगे लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूशन अकाउंट। उसके बाद जब रिवेल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, नॉर्मली जर्नल एंट्री के कुछ न्यूमेरिकल ज़रूर दिए गए हैं, लेकिन जब हम अगर फाइनल एग्ज़ाम की बात करें और ख़ास तौर पर HBSC की, तो जर्नल एंट्री नहीं रिवेल्यूशन अकाउंट का क्वेश्चन दिया जाता है। रिवेल्यूशन अकाउंट अभी बताएंगे कैसे बनाते हैं। एक बार ये देख ले इसमें प्रॉफिट होने पर क्या एंट्री होगी और लॉस होने पर क्या होगी। सबसे पहले अगर ये अकाउंट हम बनाएंगे तो हमें होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट होने पर क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट होने पर हम लिखते हैं रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होगी। अगर रिवेल्यूएशन में हमें प्रॉफिट होगा तो क्या लिखेंगे, रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसी प्रकार अगर हमें रिवेल्यूएशन में लॉस होता है तो क्या एंट्री होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूएशन अकाउंट, ये होंगे और ये एंट्री है। खास तौर पर आप ये एंट्री याद कर ले तो जर्नल एंट्री आप लिख सकते हैं, नहीं तो अभी हम रिवेल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। और कोई भी अगर आपको अकाउंट दिया जाए तो उससे आप इन एंट्रियों से भी रिवेल्यूशन अकाउंट बना सकते हैं। और रिवेल्यूशन अकाउंट दे अगर आपने देखा हो, कोई भी लेजर अकाउंट आपको दिया जाता है तो उससे आप जर्नल एंट्री कर सकते हैं। तो अब आज ये रिवेल्यूशन अकाउंट कैसे बनाते हैं उसका एक परफॉर्मा बताते हैं। ये है परफॉर्मा, हम लिखेंगे ऊपर रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स रुपए या अमाउंट का निशान, रुपए का निशान या अमाउंट लिख देंगे। तो अब इसमें जो सबसे पहले देखिए, अगर हमारी असेस्ड या तो डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, अगर असेस्ड इंक्रीज होगी तो हम इसके क्रेडिट साइड लिखेंगे बाई इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेस्ड। यहाँ जब आप न्यूमेरिकल करें केवल इंक्रीज इन द वैल्यू नहीं लिखना, उस असेस्ड का नाम लिख देंगे जो इंक्रीज हो रही है, जितने रुपए से इंक्रीज हो रही है वो अमाउंट यहाँ लिख दी जाएगी। अगर डिक्रीज हो रही है तो इस साइड लिख देंगे टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेस्ड, उसकी अमाउंट यहाँ लिख देंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसके लिए टू इंक्रीज नहीं लिखना, केवल उस असेस्ट का नाम लिख देंगे, टू फर्नीचर, टू बिल्डिंग, टू लैंड, इसी प्रकार टू फर्नीचर, टू बिल्डिंग, जो भी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड, डिक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड। उसके बाद आता है लाइबिलिटीज, अगर लाइबिलिटीज कोई इंक्रीज हो रही है तो उसे डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेस्ड, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज लिख देंगे, गलती से असेस लिख दिया था, ये साइड लिख देंगे क्रेडिट साइड बाई डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। यानी कि ये थे, ये चार चीज थोड़ी सी आपको उलझा भी सकती है, बाकी है सिंपल। अगर असेस्ट इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड, डिक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड, डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड। उसके बाद इसके डेबिट में लिखेंगे टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, इसमें अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो भी होगी वो हम डेबिट साइड लिख देंगे, अगर कोई ऐसी लायबिलिटी क्वेश्चन में दी गई है जो बैलेंस शीट में नहीं दिखाई गई थी, और इस साइड लिख देंगे बाई अनरिकॉर्डेड असेस्ड। अगर कोई असेस्ड ऐसी दे रखी है जो अनरिकॉर्डेड बैलेंस शीट में नहीं थी तो वो उसको किस साइड लिख देंगे, क्रेडिट साइड। उसके बाद आता है इसके डेबिट साइड में, अगर इसको इस साइड का जोड़ यानी क्रेडिट साइड का जोड़ ज़्यादा है और डेबिट साइड का कम है तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवेल्यूएशन ट्रांसफर टू जितने भी पुराने पार्टनर होंगे ABC उनके कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे, ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर
टोटल अकाउंट और यहाँ लिख देंगे वो। और अगर हमें इसके डेबिट साइड का जोड़ ज़्यादा था और क्रेडिट का कम है तो हमें लॉस होगा, हम यहाँ लिख देंगे बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये था इसके दोनों साइड का टोटल करके बराबर लिख देंगे। इस प्रकार हमें रिवेल्यूशन अकाउंट बनाना था। एक बार आप ये जर्नल एंट्री और रिवेल्यूशन पढ़ लें, उसके बाद के सारे क्वेश्चन हम आपको आगे करवा देंगे कि कैसे करवाने हैं। आपको एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा, उसकी एक एक क्यों बताया जाएगा, जब तक के लिए आप जर्नल एंट्री और ये रिवेल्यूशन अकाउंट का परफॉर्मा याद कर लें।